आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर, जिसमें हमको पढ़ना है ओड टू ऑटम। और हम जो ओड टू ऑटम पढ़ने जा रहे हैं, ये ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और अब हम इस ओड टू ऑटम के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट पढ़ना है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम के बाद में हम पढ़ेंगे थीम ऑफ द पोइम, इट्स विविड इमेजरी, आर्ट्स एंड वर्कमैनशिप। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, द पोइट्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स ग्रीक करेक्टर। और अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है किस प्रकार से क्या है और क्या नहीं है। तो हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795। हमें पता चलता है कि जॉन कीट्स जो है उनका जन्म 1795 1795 को हुआ था। ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द फाइव चिल्ड्रन। वो पांच बच्चों में से वो एक थे। इसके बाद में हमें बताया जाता है कि कीट्स वॉज ए कंसियस आर्टिस्ट। कंसियस आर्टिस्ट का मतलब कि बहुत ही सचेत वाले आर्टिस्ट थे, मतलब एकदम जीती जागती चीजों पर ये ज्यादा विश्वास करते थे। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अपीयर्ड इन 1817। हमें बताया जाता है कि इनका जो पोएम का पहला कलेक्शन था, इनकी पोएम का जो पहला वॉल्यूम था, वो 1817 के अंदर अपीयर्ड हुआ था। ही वॉज अ वेरी केयरफुल आर्टिस्ट। हमें यह भी पता चलता है कि ही वॉज अ वेरी केयरफुल आर्टिस्ट। बहुत अच्छे ये आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। केयरफुल मतलब सतर्क, अच्छे कलाकार थे। ही टुक द अटमोस्ट पेन्स। इन्होंने बहुत ज्यादा पेन उठाया। पेन का मतलब यहां पर परिश्रम है, PAINS, पेन्स। पेन्स का मतलब यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा परिश्रम करा है इन रिवाइजिंग एंड पॉलिशिंग हिज पोएम्स। अपनी पोएम्स को रिवाइज करने में और अपनी पोएम को पॉलिश चमकाने के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करी थी। तो हम देख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, जो कि कंप्लीट है। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ है। ये पांच भाइयों में से सबसे बड़े थे और ये कीट्स कॉन्सियस आर्टिस्ट है। हमें पता चलता है कि इनकी जो पोएम का पहला कलेक्शन है वो 1817 के अंदर पब्लिश हुआ था, अपियर हुआ था। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि केयरफुल आर्टिस्ट थे और इन्होंने अटमोस्ट पेन, बहुत ज्यादा परिश्रम किया है इस पोएम को रिवाइज करने में और इसको पब्लिश करने के अंदर। हमें पता चलता है आगे जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के अंदर कि दिस पोएम वॉज रिटन। ये बताया जा रहा है कि दिस पोएम वॉज रिटन, ये जो कविता है, जो कविता हम पढ़ रहे हैं ओड टू ऑटम, ये जो कविता है दिस पोएम वॉज रिटन, ये पोएम रिटन की गई थी बाई किड्स के द्वारा इन सितंबर के अंदर। इस पोइम को रिटर्न किया गया था, लिखा गया था। और कौन सी सन में लिखा गया था? 1819 के अंदर इसको लिखा गया था। फिर हमें बताया जाता है कि ही वॉज ग्रेटली स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द सीजन। बहुत अच्छा पॉइंट है, ही वॉज ग्रेटली स्ट्रक बाय, चिपके हुए थे ये बाय द ब्यूटी ऑफ द सीजन। जो नेचर की जो ब्यूटी होती है, सीजन मतलब ऋतु होता है, बसंत मतलब ऋतु की बात की जा रही है यहां पर, मतलब कुल मिलाकर नेचर की बात की जा रही है। और जो हमारे कवि है, जो हम पढ़ रहे हैं जॉन कीट्स के बारे में, तो ही वॉज ग्रेटली स्ट्रक, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे या चिपके हुए रहते थे ब्यूटी ऑफ द सीजन, मतलब ब्यूटी ऑफ द नेचर से ये चिपके हुए रहते थे। फिर हमें बताया जाता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑड्स ऑफ कीट्स। हमें बताया जाता है कि ये जो ओड है, जिस ओड के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ओड टू ऑटम हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो ओड टू ऑटम है ये वन ऑफ द बेस्ट ओड है। वन ऑफ द बेस्ट ओड मतलब जितने भी ओड्स है उनमें से सबसे बेस्ट यही है। फिर हमें बताया जाता है आगे कि द पोएम इज अ परफेक्ट नेचर लिरिक। ये नेचर के ऊपर लिखी हुई है और नेचर लिरिक है। ये नेचर का मतलब हो गया अपनी जो प्रकृति है उसके गीत के अकॉर्डिंग ये लिखी गई है, मतलब नेचर का गीत है, नेचर का ये गान है। दिस इज द लास्ट कीट्स ओड्स, ये कीट्स का लास्ट ओड है। हमें ये भी पता चलता है इस बात में कि ये जो कीट साहब है इनका लास्ट ओड है। इट वॉज पब्लिश इन 1820। इसका जो पब्लिकेशन हुआ है वो 1820 में हुआ है। देखो सितंबर 1819 में लिखी गई थी और इसको 1820 में पब्लिश किया गया था। फिर हमें बताया जाता है
The ode expresses, ये जो ode है ये express करता है, ये ode बताता है Keats love for nature, Keats का जो love है nature के प्रति वो हमें इस poem में देखने को मिलता है कि nature कितनी beautiful है, कितनी सुंदर है, ये बात हमें इस poem के माध्यम से पता चलती है. He describes, जो हमारे कवि साहब है John Keats, वो describe करते हैं various stages of autumn, autumn की various stages जो उसकी अवस्थाएं हैं autumn की, पतझड़ ऋतु की, वो हमें बहुत अच्छे से यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, वो भी वेरी कलरफुली, बहुत ही कलरफुली तरीके से यहां पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है. फिर हमें बताया जाता है कीट्स ओवन अकाउंट, जो कीट्स का अकाउंट, कीट्स ओवन अकाउंट, कीट्स का जो अकाउंट है, मतलब उनकी जो बातें हैं, गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, इस ऑफ द थीम, इस थीम के अंदर हमें देखने को मिलती है. मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इन्होंने यहां पर लिखे हैं और इन सब बातों को उन्होंने फोकस भी किया है और हमें भी इसी तरीके से इन सब चीजों का फोकस करना है. मतलब यह है कि John Keats साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते हुए लिखा था. अगला पॉइंट देखते हैं, थीम ऑफ द पोइम. अब इस पोइम की क्या थीम है, इसके ऊपर फोकस हमें करना है, तो देखते हैं लिखा हुआ है. सबसे पहला जो पहली लाइन है वो लिखी हुई है कि द थीम ऑफ द पोइम, ये जो पोइम है, इस पोइम की जो थीम है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि द थीम ऑफ द पोइम इज फुलफिलमेंट. जो थीम ऑफ द पोइम है वो बहुत ही फुलफिलमेंट है, मतलब पूरी जीती जागती एक तस्वीर के रूप में हमें इसके अंदर पता चलता है. तस्वीर की बात यहां पर एक तरीके से की गई है, फुलफिलमेंट तृप्ति देती है. जब इस पोइम को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर तृप्ति हमें प्राप्त होती है. इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द ऑटम, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द ऑटम, ऑटम का जो पहला ही स्टेंजा है इज डिस्क्राइब, ऑटम का पहला ही जो स्टेंजा है वो डिस्क्राइब करता है एज ए सीजन. मतलब पहले स्टेंजा में क्या बताया गया, इस पोइम के पहले स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया उसकी बात हम कर रहे हैं कि एज ए सीजन ऑफ मिस्ट, मतलब पहली जो सीजन है वो मिस्ट की सीजन बताई गई. और मिस्ट का मतलब होता है धुंध, मिस्ट का मतलब क्या होता है, धुंध. पहली जो सीजन है वो मिस्ट की सीजन है. एंड राइपनेस, राइपनेस का मतलब होता है पकना, मतलब जिस प्रकार फसल पक जाती है उसके बारे में यहां पर बात की गई है. तो इस पोइम का जो पहला स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर फसल पकने के बारे में हमें बातें बताई जा रही है. फिर हमें बताया जा रहा है कि जिसमें क्या बताया जाता है, इस पहले पैराग्राफ के अंदर राइप फ्रूट्स, मतलब पके हुए फूलों, फ्रूट्स, फलों की बात हमें इसमें देखने को मिलती है. फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब यहां पर है खिले हुए फूल, हमें इस पहले स्टेंजा में देखने को मिलते. फिर हमें पता चलता है ग्रेप्स की बात करता है हमारा कवि, एप्पल्स की बात करता है, उसके बाद में हेजलनट्स की बात करता है, हेजलनट्स के बाद में इन्होंने अदर जो अन्य जो फल फ्रूट है इस सीजन के, उन सभी सीजन के फल फ्रूट्स की बात उसने यहाँ पर की है. अपियर एट दिस टाइम, जो इस टाइम पर अपियर होती है. हेजलनट का मतलब अखरोट होता है. तो थीम ऑफ द पोइम जो है, इस पोइम के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है. आप इसको दो तीन बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ जाएगी. अब पहले पैराग्राफ के बाद में, उसके बाद में जो दूसरा पैराग्राफ आता है इस पोइम का, उस पोइम के अंदर ऑटम को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है वो हमें पढ़ना है. तो देखिए, इन द सेकंड स्टेंजा, जब हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं इस पोइम का, तो हमें पता चलता है कि ऑटम इज पर्सोनिफाइड. ऑटम को क्या किया गया है, ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है. ऑटम को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड. पर्सोनिफाइड आप समझते हैं क्या होता है, इसमें मानवीकरण किया गया है. मानवीकरण का मतलब यहां पर यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब मानव आकृति के रूप में इसको मतलब प्रस्तुत किया है. मानव आकृति का मतलब यहां पर यह है कि इन्होंने इस पूरी पोएम के अंदर जो हमारी ऑटम है, जो लोग है, मतलब ऑटम को एक तरीके से ह्यूमन बीइंग बनाकर इसने प्रस्तुत किया है. ह्यूमन बीइंग बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया. बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर है कि देखिए, इन द सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा के अंदर ऑटम इज पर्सोनिफाइड. ऑटम को बहुत अच्छे से पर्सोनिफाई किया गया है इन वेरियस फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स के अंदर, बहुत सारी मानव आकृतियों के अंदर ऑटम को हमारे कवि ने पर्सोनिफाइड किया है. अब किस किस तरीके से उन्होंने पर्सोनिफाई किया, तो देखते हैं. फर्स्ट एज ए हार्वेस्टर, सबसे पहले हमारे कवि ने हमको जो ऑटम है उस ऑटम को हार्वेस्टर के रूप में प्रदान किया, मतलब हार्वेस्टर के साथ, हार्वेस्टर के जैसे प्रस्तुत किया. अब हार्वेस्टर क्या होता है ये आपको समझना है. आप जानते हैं हार्वेस्टर का मतलब होता है मतलब फसल उगाने वाला, ठीक है. हार्वेस्टर फसल उगाने वाला जो है, या फसल उगाने वाला वाला की बात है कि एज ए फर्स्ट हार्वेस्टर सिटिंग केयरलेसली, बंदा केयरलेसली बैठा हुआ है. हमें बताया जाता है इसके अंदर बंदा केयरलेसली मतलब बड़ा बिना किसी चिंता के बैठा हुआ है, केयरलेस है, एकदम असावधानी पूर्वक तरीके से बैठा हुआ, कौन, हार्वेस्टर बैठा हुआ है, ऐसा हमें देखने को मिलता है. फिर हमें बताया जाता है
सेकेंडली दूसरी बात हमें क्या पता चलती है, एज ए टायर्ड रीपर, बाद में हमें जो दूसरी आकृति मिलती है, दूसरा जो फिगर मिलता है वो टायर्ड रीपर का मिलता है। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ और रीपर का मतलब काटने वाला। तो दूसरा जो यहां पर फिगर का यूज किया गया है, आकृति का यूज किया गया है, वो टायर्ड रीपर है, थका हुआ कोई काटने वाला बंदा है, किसान है। स्लीपिंग जो सोया हुआ है, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ है इन ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब आपको समझना है, ड्राउजीनेस का मतलब एक तरीके से नशे में या फिर बेसुध होकर वो अपने उस खेत में जहां उसको फसल काटनी है वहां पर सोया हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो इसका फिगर यूज किया गया वो है थर्डली एज ए ग्लीनर। तीसरा ग्लीनर के रूप में यहां पर यूज किया गया, और ग्लीनर का मतलब होता है बटोरने वाला। ठीक है, ग्लीनर का मतलब क्या होता है, बटोरने वाला। कि थर्डली एज ए ग्लीनर, ग्लीनर के रूप में यहां पर हमें पोइम के अंदर प्रस्तुत किया है, बताया है कि एज ए ग्लीनर वॉकिंग विद अ लॉर्ड ऑफ कॉर्न। देखो लॉर्ड ऑफ कॉर्न, लॉर्ड का मतलब हरीसा, कॉर्न का मतलब अपना ये जो पूली नहीं होती क्या, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे गेहूं का पूला बांध लिया, उसको ऑन हिज हेड अपने सिर पर लेकर जा रहा है, अपने सिर पर लेकर वॉकिंग कर रहा है, जा रहा है। थर्डली जो बंदा था, बटोरने वाला जो बंदा था, एक घास का पूला उसने बनाया, कॉर्न का पूला उसने बनाया, और वो सीधा सीधा किसके ऊपर जा रहा है, अपने सिर पर लेकर उसको जा रहा है। फाइनली अब अंत में उसने कौन से फिगर का यूज किया है वो देखते हैं। फाइनली एज ए सीडर प्रेसर, बाद में हमें पता चलता है कि वो एक सीडर प्रेसर के रूप में हमें बताया जाता है। लुकिंग द स्लो बाई फ्लोविंग जूस, जो कि फ्लोविंग जूस का काम कर रहा है, मतलब यहां पर है कि फाइनली एज ए सीडर प्रेसर। जिस प्रकार सेम होती है, सेम एप्पल का जूस निकाला जाता है, तो एप्पल को जब दबाया जाता है, जब उसको क्रश किया जाता है, जब उसको सीडर प्रेसर में डाला जाता है, या फिर अपन जो जिसमें अपन जूस बनाते हैं उस मशीन में जब उसको डाला जाता है जूसर में, तो धीरे धीरे रस टपकता है। तो यहां पर बंदा क्या कर रहा है, एक जगह बैठा हुआ है, एज ए सीडर प्रेसर, जूस निकालने वाला एक तरीके से बैठा हुआ है। लुकिंग द स्लो, धीरे धीरे देख रहा है, मतलब देख रहा है स्लो बाई फ्लोविंग जूस, जिस प्रकार से जूस टपकता है उस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से जूस टपक रहा है उस तरीके से वो उसको देखे जा रहा है। यह हमारा अगला पॉइंट था जो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट स्टेंजा आ रहा है इस थीम ऑफ द पोइम का, इस जो पोइम की थीम है उसका लास्ट स्टेंजा। इसमें क्या होता है क्या नहीं है, इन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा के अंदर म्यूजिक ऑफ ऑटम, जो ऑटम का म्यूजिक है, म्यूजिक ऑफ ऑटम हम बात कर रहे हैं, म्यूजिक ऑफ ऑटम, कि ये जो इस पोइम का जो म्यूजिक है, इस ऑटम का जो म्यूजिक है, इज एंजॉयड, आनंद लिया गया है बाय द पोइट, पोइट के द्वारा, इसमें पोइट के द्वारा बड़ा आनंद लिया गया है। पोइट बड़ा खुश है इसको देखकर, बहुत अच्छा उसको लग रहा है, बड़ा आनंद इस पोइम का वो ले रहा है। विच ही सजेस्ट, जिसको वो सजेस्ट करता है, जिसके बारे में वो हमें बताता है, इज ए स्वीट एज दैट ऑफ स्प्रिंग, मतलब जिस प्रकार से इस ऑटम के म्यूजिक के बारे में इन्होंने, हमारे कवि ने बात की है, उस म्यूजिक का हमारे जो कवि है बड़ा आनंद लेते हैं, और आनंद लेते हैं वह कौन ही मतलब हमारा कवि सजेस्ट करता है, हमें बताता है, इज अ स्वीट एज दैट ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि ये जो स्प्रिंग क्या नाम, ऑटम का जो म्यूजिक है वो स्प्रिंग के समान है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। अब हम चल रहे हैं इसके अगले पैराग्राफ पर, हमारे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो अगला पैराग्राफ है वो है इट्स विविड इमेजरी, हम इसकी इमेजरी की बात कर रहे हैं, हम इसकी जो कल्पना है इस पोएम के अंदर, क्या कल्पना की गई है, उस कल्पना की हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं लिखा हुआ है द सेकेंड स्टेंजा, इस पोइम का जो सेकंड स्टेंजा है, हम जो पोइम पढ़ रहे हैं ओड टू ऑटम जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकंड स्टेंजा है गिव्स एन ऑथेंटिक इमेज ऑफ ऑटम, ऑथेंटिक इमेज देता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। सेकंड स्टेंजा ऑटम जो सीजन है उसकी एकदम सच्ची सच्ची तस्वीर हमारे यहां सामने प्रस्तुत करता है। फिर हमें बताया जाता है इट इज सीन एज ए हार्वेस्टर, हमें ऑटम को किसके रूप में प्रस्तुत किया है हमारे कवि ने, ऑटम नामक जो सीजन है, जो ऋतु है, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया है, उसको हार्वेस्टर के रूप में प्रस्तुत किया। हार्वेस्टर का मतलब फसल बोने वाले के रूप में यहां पर हमें हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया है। विद हेयर जेंटली ब्लोवन, जिस बंदे के बाल, हेयर जो बाल है, जो हेयर है, जेंटली ब्लोवन, उड़ रहे हैं बाय द विंड, हवा से उड़ रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग द चॉफ फ्रॉम द ग्रेन, जिस प्रकार से बंदा हमारे गांवों के अंदर जो औरतें वो पालना टाइप का क्या होता है उसको लेकर उसमें गेहूं डालकर हवा से जब उसके सामने वो बिखेरती है तो हवा से भूसा जो होता है वो तो उड़ जाता है और जो अपना गेहूं दाना जो होता है वो नीचे, ग्रेन जो होता है, अनाज जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि इट इज सीन एज ए हार्वेस्टर, उसको हार्वेस्टर के रूप में देखा गया है। विद हेयर जेंटली ब्लोवन, उसके बाल जेंटली उड़ रहे हैं बाय द विंड, हवा से, इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चॉफ फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से, ग्रेन का मतलब अनाज उसका गिर रहा है और भूसा उसका
उड़ रहा है। किस तरीके से ये सब बातें बताई जा रही है, जैसे कि लाइक है, हमें बताया जाता है लाइक ए फार्मर, एक किसान, इट इज सीन, जैसे एक किसान होता है, इट इज सीन, ऐसा देखा जाता है लाइंग बाय द साइड हाफ रीप्ड फ्यूरो। हमें बताया जाता है कि जो किसान है, लाइक ए फार्मर जो है, इट इज सीन, उसको देखा जाता है, मतलब ये जो ऋतु है, ये जो ऑटम है, इसको किस प्रकार से देखा गया, इट इज सीन, इसको देखा गया है लाइंग, जैसे ये पड़ी हुई है, बाय द साइड ऑफ हाफ रीप्ड फ्यूरो। हाफ रीप्ड फ्यूरो का मतलब, जैसे हम खेतों के अंदर खेत जोतते हैं ना, वो हल चलाकर, तो वो लकीरें बन जाती है, तो जोते हुए खेत, आधा जोता हुआ, रीप्ड का मतलब पका हुआ, आधे पके हुए खेत का जो जोता हुआ जो खेत है, उसकी साइड के अंदर इस ऑटम को एकदम केयरलेसली पड़ा हुआ हमें दिखाया जाता है। परहैप्स शायद ड्रॉज्ड बाय द फ्यूम्स, और ऐसा लगता है जैसे कि फ्यूम ऑफ द पॉपी, फ्यूम का मतलब यहाँ पर खुशबू जैसा कुछ है, और पॉपी का मतलब अफीम होता है, अफीम के रंग में रंगा हुआ, अफीम के मतलब उस जो ये अफीम है, ये जो एल्कोहल के ये जो अफीम है, इस अफीम को खाकर जिस प्रकार से नशा हो जाता है और बंदा मदमस्त हो जाता है, डूब जाता है, उस प्रकार से ये एक तरीके से डूबा हुआ है। ठीक है, वी कैन सी, हम देख सकते हैं ऑटम को हम देख सकते हैं एज ए ग्लीनर, एक ग्लीनर के रूप में हम ऑटम को देख सकते हैं। ग्लीनर का मतलब होता है काटने वाला, जो क्या कर रहा है, देखिए वी कैन सी ऑटम, हम ऑटम को देख सकते हैं एज ए ग्लीनर के रूप में, जो बंदा क्या कर रहा है, ग्लीनर क्या कर रहा है, क्रॉसिंग ए ब्रूक, एक ब्रूक को पार कर रहा है, ब्रूक का मतलब होता है जो नाला, नाले को पार कर रहा है, ब्रूक को पार कर रहा है, विद ए हैवी बंडल ऑफ कॉर्न, जिसने सिर के ऊपर एक भारा ले रखा है, अनाज का पूला बनाकर भारा उन्होंने ले रखा है, एंड बैलेंस्ड केयरफुली, और बैलेंस बनाते हुए बड़ी सावधानी के साथ में, केयरफुली बड़ी सावधानी के साथ में, ऑन द हेड, सिर पर ले जाते हुए वो उस ब्रूक को, उस नाले को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है लाइक ए, किस तरीके से पार कर रहा है, लाइक ए ब्रीवर, जैसे कि एक शराब बनाने वाला, इट कैन बी फाउंड, पाता है बाय द साइड ऑफ द सीडर प्रेसर, वो सीडर प्रेसर के साइड में, मतलब एकदम जूसर मशीन के साइड में खड़ा रहता है या बैठा रहता है, और वॉचिंग वेरी पेशेंसली, और बड़ी सावधानी से, बड़ी धैर्यता के साथ में देखता रहता है द एपल्स को, बीइंग कर्स्ड, जब एपल्स को कर्स किया जाता है, जब एपल्स को निचोड़ा जाता है, और निचोड़ के उसकी जो एक एक बूंद टपकती है उसको देखा जाता है, उसी प्रकार से हमारी इस ऋतु को, इस ऑटम को देखा जाता है। इन फैक्ट वास्तव में द पॉइट हैज ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड, वास्तव में हमारे कवि ने बहुत ही गजब डिस्क्राइब किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है हमारे सामने, और डिस्क्राइब किया है डिफरेंट ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस के साथ में, मतलब अलग अलग पॉइंट्स के साथ में हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया है थ्रू पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से। आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या, मानवीकरण, और मानवीकरण के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया है। अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है आर्ट एंड वर्कमैनशिप। इस आर्ट एंड वर्कमैनशिप के अंदर क्या है और क्या नहीं है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए आर्ट एंड वर्कमैनशिप के अंदर हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट देखते हैं कहां से क्या लिखा हुआ है, कि द ओड टू ऑटम इज फॉल्टलेस, फॉल्टलेस है, कोई भी गलती नहीं है, मतलब फॉल्टलेस है, कोई भी इसके अंदर 1% भी कमी नहीं है। ये जो ओड लिखा गया है, ये ओड बहुत ही गजब का लिखा गया है, इसमें कोई भी कमी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर हमें बताया जाता है इट, मतलब इसमें फॉल्टलेस है, इन इट्स आर्ट एंड वर्कमैनशिप, इसकी कला में और इसको लिखने के अंदर जो कला और जो तरीका लगाया गया है उस तरीके के अंदर कोई कमी नहीं है। इट इज फॉल्टलेस, ये बिल्कुल फॉल्टलेस है, इसमें कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। इट शोज, ये जो ओड है ये शो करता है, ये ओड हमें दिखाता है, इट शोज ये दिखाता है इट्स बेस्ट, इट्स मतलब ओड की बेस्ट, इट्स बेस्ट मतलब इट शोज इट्स बेस्ट, इसका बेस्ट हमें दिखाता है, ऑल द क्वालिटीज हमें दिखाता है ऑफ कीट्स, कीट्स की हमें बहुत अच्छी अच्छी जो क्वालिटी थी, इस पोइम के माध्यम से हमें कीट्स की क्वालिटी का पता चलता है कि कीट्स कितना गजब का राइटर है और किस तरीके से इन्होंने अपना सारा काम जिस तरीके से किया है, मतलब कितना सुंदर इन्होंने लिखा हुआ है, वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर आगे बताया जा रहा है एज ए पोएटिक आर्टिस्ट, हमारा कवि आर्टिस्ट मतलब पोएटिक आर्टिस्ट के रूप में, एंड इस पिक्टोरिकल पावर, और इसका जो पिक्टोरिकल पावर है, पिक्टोरिकल पावर से मैं आपको बताऊं तो पिक्चर, और पिक्चर का मतलब हो गया तस्वीर, जिस प्रकार मतलब तस्वीर, मतलब जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो जो जो शब्दों का यूज हमारे कवि ने किया है, उन शब्दों से हमें ये पता चलता है जैसे कि बंदा तस्वीर ही हमारी आंखों के सामने वो तस्वीर आ गई, इस तरीके से हमें पता चलता है। फिर बताया जाता है
यहाँ से दोबारा देख लीजिए कि इट शोज इट्स बेस्ट ऑल द क्वालिटीज, इसमें बहुत बेस्ट क्वालिटीज का हमें पता चलता है कीट्स का एज ए पोइटिक आर्टिस्ट के रूप में, कलाकार के रूप में, एंड इज पिक्टोरिकल पावर के रूप में, एंड इज इकोनॉमिक एक्सप्रेशन, इसका जो इकोनॉमिक एक्सप्रेशन है, इकोनॉमी एक्सप्रेशन याद रखेंगे, इकोनॉमी जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। हिज क्लासिकल रेस्टोरेंट, इसका जो क्लासिकल रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का मतलब नियंत्रण होता है, हिज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कि बंदे ने कौन कौन से सेंसेस का यूज किया, इंद्रियों का यहां पर यूज किया, उसका तालमेल, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो सब हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। एंड ग्रेव एंड सोलेमन म्यूजिक, और बहुत ही गजब इस पोइम का, इस मतलब ओड का, गजब का इसका म्यूजिक है जो सोलेम है, बड़ा ही गंभीर म्यूजिक इसको हमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ रहे हैं इसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो इसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन हमें क्या और किस तरीके से देखने को मिलता है, तो देखिए लिखा हुआ है हमारे सामने कि द ओड गिव्स ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये जो ओड है वो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब ग्राफ हमारे सामने प्रस्तुत करता है, एक नजरिया हमारे सामने प्रस्तुत करता है ऑफ द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम जो सीजन है, ऑटम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पतझड़ की जो ऋतु है, इसका जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन हमारे सामने बहुत अच्छे से हमारे कवि ने प्रस्तुत किया, विद ऑल इट्स रिचनेस, इसकी पूरी रिचनेस के साथ, इसका पूरा धनिकता के साथ, मतलब इसकी जितनी क्वालिटी होती है ना ऑटम की, वो सारी की सारी क्वालिटी भर भर के हमारे सामने हमारे कवि ने प्रस्तुत की है। फिर हमें बताया जाता है द फर्स्ट स्टेंजा, जो पहला स्टेंजा है, डिस्क्राइब्स, वो बताता है इट्स गिफ्ट्स, इसके गिफ्ट्स के बारे में बताता है, ऑफ राई फ्रूट्स, जो इसके पके हुए जो फ्रूट्स है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है, ब्लॉसम्ड फ्लावर्स, इस ऋतु के अंदर जो ब्लॉसम्ड फ्लावर्स होते हैं, जो खिले हुए फूल होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड स्टेंजा रिप्रेजेंट, जो सेकेंड स्टेंजा है, अब इस पोएम का जो सेकेंड स्टेंजा है वो क्या प्रस्तुत करता है, ऑटम इन फोर पर्सोनिफाइड फिगर्स, ऑटम को चार भागों में पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। द थर्ड स्टेंजा डिस्क्राइब, जो तीसरा स्टेंजा है वो डिस्क्राइब करता है द म्यूजिक ऑफ ऑटम, इस ओड के अंदर जो हम ऑटम की बात कर रहे हैं, तो ऑटम के म्यूजिक को बड़ा ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर हमें बताया जाता है आगे कि द म्यूजिक ऑफ ऑटम, जो ऑटम का म्यूजिक है, विच एंड्स द पोइम, इस पोइम को एंड करता है, विच एंड्स द पोइम इज अ म्यूजिक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, ऑफ स्टेइंग एंड डिपार्चर, समर एंड विंटर। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं दोबारा समझा रहा हूं, सुनिएगा आप क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द म्यूजिक ऑफ ऑटम, जो ऑटम का जो म्यूजिक है, विच एंड्स, जब खत्म होता है द पोइम, पोइम के अंदर म्यूजिक का, ऑटम का जो म्यूजिक है जब खत्म होता है, तो इज अ म्यूजिक ऑफ लिविंग, ऐसे लगता है जैसे कि जीता जागता म्यूजिक है। एंड लिविंग एंड डाइंग, ऑफ स्टेइंग एंड डिपार्चर, ऑफ समर एंड विंटर, विंटर और समर, गर्मी की ऋतु और सर्दी की ऋतु जो है, उसका डिपार्चर होना, उसका बीतना, उसका जाना, उसका रुकना, स्टे मतलब रुकना और डिपार्चर मतलब जाना, मतलब उसका आना, रुकना और जाना, मतलब उसका जीना और उसका मरना, वो सब म्यूजिक के रूप में हमारे कवि ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, द पोइट्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, द पोइट कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, अब इसका क्या पॉइंट है क्या नहीं है वो देखते हैं अपन। लिखा हुआ है क्या है कि द पोइट्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि द थर्ड स्टेंजा इज ए कलेक्शन ऑफ द वेरियस साउंड्स ऑफ ऑटम लाइक द चीयर ऑफ जैंट्स। बहुत अच्छा पॉइंट, इसको एक 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 लाइन को हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या कि द थर्ड स्टेंजा इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस साउंड्स, हमारा जो तीसरा स्टेंजा इस पोइम का, जो तीसरा स्टेंजा है, उसमें किस किस प्रकार के साउंड्स की बात की गई है, वेरियस वेरियस साउंड्स की बात की गई है, और वो वेरियस वेरियस साउंड्स कैसे हैं ऑटम के वो देखते हैं, जैसे कौन कौन से साउंड है, लाइक द कॉयर ऑफ जांट्स, ये एक प्रकार का मतलब इंसेक्ट होता है, उसकी आवाज भीमरी टाइप का कोई होता है। फिर हमें बताया जाता है द ब्लीटिंग ऑफ लैम्स, जो लैम्ब होते हैं मेमने टाइप के, वो ब्लीट करते हैं, उनकी आवाजें हमें इस पोइम में सुनाई देती है, सुनाई देने का मतलब हम फील करते हैं। द सिंगिंग ऑफ द क्रिकेट्स, क्रिकेट्स का मतलब वही आ गया, झिंगुर वगैरह की आवाजें, भीमरी वगैरह की आवाजें हमें सुनाई पड़ती है इसके अंदर। द विस्लिंग ऑफ द रेड ब्रियस्ट, रेड ब्रियस्ट मतलब एक टाइप ऑफ इंसेक्ट बर्ड है एक रेड ब्रियस्ट का, वो विस्लिंग करता हुआ उड़ता है, वो हमें देखने को मिलता है। एंड द ट्विटरिंग, ट्विटर करता हुआ, ची 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 मतलब चिड़ियाओं की आवाज आती है हमें इसके अंदर, स्वेलोज मतलब चिड़ियाओं की आवाज हमें सुनने को मिलती है। तो बहुत अच्छा तीसरा स्टेंजा फुल ऑफ म्यूजिक है, ये देखना है आपको। किड्स इंटरेस्ट इन स्मॉल एंड होमली क्रिएट,
क्रिएचर, कीट्स का जो इंटरेस्ट है स्मॉल स्मॉल चीजों में, और होमली टाइप प्रकार के क्रिएचर्स होते हैं ना, होमली टाइप का क्रिएचर मतलब जैसे कि अपने यहाँ पर चींटी की बात कर लिया, हमने यहाँ पर क्या नाम है चिड़िया की बात कर ली, हमने तोते की बात कर ली, तो ये होमली टाइप के जो स्मॉल स्मॉल क्रिएचर्स है इनको इस फुल शोवन अपनी पोएम के अंदर फुल शोन करता है, फुल दिखाता है इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में हमें पता चलता है। फिर हमें बताया जाता है द होल पोएम शोज कीट्स इंटरेस्ट, ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो कीट्स का पूरा इंटरेस्ट हमें दिखाती है नेचर के प्रति, कि हमारे कवि ने किस प्रकार से यहाँ पर नेचर की, नेचर का जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है, वो कैसे दिखती है। एंड हमें बताया जाता है इज कीन एंड माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब है सूक्ष्म, उसका मतलब एकदम कीन, एकदम बहुत ज्यादा माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है किस किस तरीके से बंदे ने देखा है ऑफ नेचुरल साइट्स, उस नेचुरल साइट्स को, इस प्राकृतिक चीजों को और उसके साउंड्स को किस तरीके से हमारे कवि ने महसूस किया और महसूस करके उन्होंने लिखा। आगे अगला जो शायद ये लास्ट वाला पॉइंट हो सकता है आई थिंक, देखते हैं एक बार, हाँ ये लास्ट पॉइंट है, इसको हम देखते हैं काफी बड़ा है तो समझने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिविटी, इस पोइम की क्या ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब बंदे ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट का यूज किया है, एंड इस ग्रीक करेक्टर, और यहां पर कौन से ग्रीक करेक्टर्स का इस पोइम के अंदर यूज किया गया है, तो वो देखते हैं। This poem is most objective and impersonal. ये poem personal नहीं है, सबसे पहली बात तो the poem is not personal, ये impersonal है और बहुत गजब की objective poem है। It is commonly regarded, it is यहां से देखिए, it is commonly regarded as an evocation. ये एक प्रकार का evocation है, evocation का मतलब है याद दिलाने वाली poem है of the sounds, हमें यहां पर sounds याद आते हैं, sights मतलब दृश्य याद आते हैं of autumn, हमें जब इस poem को पढ़ते हैं तो हमें autumn के sights हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, हमारे सामने हम फील करने लगते हैं ऑटम के साउंड को, हम फील करने लगते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। He gives the objects of feeling, हमें इसमें क्या मिलता है, He gives, he मतलब वह, gives मतलब देता है, objects of feelings, हमें feeling, हमें महसूस होने लग जाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, नॉट द फीलिंग इटसेल्फ, जो अपने आप में फील नहीं करते उनके बारे में हमें पता चलता है। दिस पोएम इज रिटन इन काम, ये बड़ी शांति से ये पोएम लिखी गई है, सीरीन का मतलब बड़ी शुद्ध पोएम है और बहुत ही अच्छे शानदार मूड के अंदर ये लिखी गई है। फिर हमें देखने को मिलता है देयर इज नो फिलोसोफी इन द पोएम, इस पोएम के अंदर कोई फिलोसोफी नहीं है, बोलते हैं ना ज्यादा फिलोसोफी मत जाट, मतलब ज्यादा ज्ञान मत बाट, तो ये कोई फिलोसोफी वाली पोएम नहीं है, एंड नो इनर मीनिंग, और ना ही इसका कोई अंदर अर्थ छुपा हुआ कोई अर्थ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर इज नो डिसकंटेंट, इसके अंदर कोई डिसकंटेंट चीज नहीं है, नो अंगुइश कोई पीड़ा नहीं है, नो बिटरनेस और कोई कड़वाहट नहीं है ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की कड़वाहट वगैरह इसके अंदर पोएम में देखने को नहीं मिलती है। The ode shows, अब हमें ग्रीक वाला पॉइंट पढ़ते हैं, The ode shows Greek spirit, इसमें ग्रीक स्पिरिट हमें देखने को मिलती है, ग्रीक वातावरण हमें देखने को मिलता है, ग्रीक तरीका हमें देखने को मिलता है ऑफ राइटिंग मोर देन एनी अदर पॉइंट, जो अन्य पॉइंट्स में भी देखने को मिलता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे अन्य अंग्रेजी की कविताएं होती है वैसा का वैसा हमें इसमें भी देखने को मिलता है ग्रीक करेक्टर्स के रूप में। इट इज क्लासिकल इन ट्रू सेंस, सही बात की जाए तो ये क्लासिकल है ये पोएम, ट्रू सेंस के अंदर क्लासिकल पोएम है, तो मॉडर्न पोएम होती है क्लासिकल पोएम होती है, तो ये थोड़ी हटके पोएम है, पुरानी पोएम है, था थी थी ऐसी कोई पोएम है। एवरीथिंग हियर इज सिंपल एंड क्लियर, यहां पर हर एक चीज बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर लिखी गई है। देयर इज द ग्रीक, हमें बताया जाता है देयर इज द ग्रीक टच इन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम, ऑटम के अंदर जब ऑटम को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो बहुत अच्छा टच हमें इसमें देखने को मिलता है। देयर इज ग्रीक नॉट इन द पोएट्स इंपर्सनल मैनर, और बहुत ही इंपर्सनल मैनर के अंदर, कवि के बहुत ही इंपर्सनल मैनर के अंदर और ग्रीक नॉट्स को टच करते हुए यह पोएम लिखी गई है। ये पोएम हमने पढ़ ली ओड टू ऑटम, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।